प्रतिज्ञा समाज में फैली विधवा व अछूत समस्या पर आधारित मुंशी प्रेमचंद का रोचक अनमोल उपन्यास। होली का दिन आया। पंडित बसंत कुमार के लिए एक भंग पीने का दिन था। महीनों पहले से भंग मंगवा रखी थी। अपने मित्रों को भंग पीने का न्योता दे चुके थे। सवेरे उठते ही पहले काम जो उन्होंने किया वह भंग धोना था। मोहल्ले के दो चार लोंडे और दो चार बेफिक्रे जमा हो गए। भंग घुटने लगी, कोई मिर्च पीसने लगा, कोई बादाम छीलने लगा। दो आदमी दूध का प्रबंध करने के लिए छूटे, दो आदमी सिलबट्टा धोने लगे। खासा हंगामा हो गया। सहसा बाबू कमला प्रसाद आ पहुँचे। यह जमघट देखकर बोले, क्या हो रहा है भाई, हमारा हिस्सा भी है ना? वसंत कुमार ने आगे बढ़कर स्वागत किया। बोले, जरूर जरूर, मीठी लीजिएगा कि नमकीन? कमला प्रसाद, अजी मीठी पिलाओ, नमकीन क्या, मगर यार केसर और केवड़ा जरूर हो। किसी को भेजिए मेरे यहाँ से ले आए, किसी लौंडे को भेजिए जो मेरे घर जाकर प्रेमा से मांग लाए, कहीं धर्मपत्नी जी के पास चला जाए, नहीं तो मुफ्त गालियाँ मिले। त्योहार के दिन उनका मिजाज गर्म हो जाया करता है। यार वसंत कुमार, धर्मपत्नियों को प्रसन्न रखने का कोई आसान नुस्खा बताओ, मैं तो तंग आ गया। वसंत कुमार ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे यहाँ तो यह बीमारी कभी नहीं होती। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो, क्या पूर्णा तुमसे कभी नहीं रूठती? वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, कभी किसी चीज़ के लिए हट नहीं करती? वसंत कुमार, कभी नहीं। कमला प्रसाद, तो यार तुम बड़े भाग्यवान हो, यहाँ तो उम्र कैद हो गई है। अगर घड़ी भर भी घर से बाहर रहूं तो जवाब तलब होने लगे। सिनेमा रोज जाता हूँ और रोज घंटों मनावन करनी पड़ती है। वसंत कुमार, तो सिनेमा देखने न जाया कीजिए। कमला प्रसाद, वाह वाह, यह तो तुमने खूब कही, कसम अल्लाह पाक की खूब कही। जिस कल वह बिठाए उस कल बैठ जाऊँ, फिर झगड़ा ही ना हो, क्यों? अच्छी बात है, कल दिन भर घर से निकलूंगा ही नहीं, देखूँ तब क्या कहती है। लेकिन अब तक लौंडा केसर और केवड़ा लेकर नहीं लौटा, कान में भनक पड़ गई होगी, प्रेमा को मना कर दिया होगा। भाई अब तो नहीं रहा जाता, आज तो कोई मेरे मुंह लगा तो बुरा होगा। मैं अभी जाकर सब चीज़ भेज देता हूँ, मगर जब तक मैं ना आऊँ आप न बनवाइएगा, यहाँ इस फन के उस्ताद हैं। मोरूसी बात है, दादा तोले भर का नाश्ता करते हैं, उम्र में कभी एक दिन का भी नागा नहीं किया, मगर क्या मजाल कि नशा हो जाए। यह कहते हुए कमला प्रसाद झल्लाए हुए घर चले गए। वसंत कुमार किसी काम से अंदर गए तो देखा पूर्णा उबटन पीस रही थी। पंडित जी के विवाह के बाद यह दूसरी होली थी। पहली होली में बेचारे खाली हाथ थे, पूर्णा की कुछ खातिर न कर सके थे, पर अब की बार उन्होंने बड़ी बड़ी तैयारियां की थी। परिश्रम करके कोई 150 रुपये ऊपर से कमाए थे, उससे पूर्णा के लिए अच्छी साड़ी लाए थे, दो एक मोटी छोटी चीज़ें भी बनवा दी थी। पूर्णा आज वह साड़ी पहनकर उन्हें अप्सरा सी दीख पड़ने लगी। समीप जाकर बोले, आज तो जी चाहता है तुम्हें आंखों में बिठा लूं। पूर्णा ने उबटन एक प्याली में उठाते हुए कहा, यह देखो मैं तो पहले ही से बैठी हुई हूँ। वसंत कुमार, जरा स्नान करता जाऊँ। कमला बाबू, अब 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। पूर्णा, पहले जरा यहाँ आकर बैठ जाइए, उपटन तो मल दूँ फिर नहाने जाना। वसंत कुमार, नहीं नहीं रहने दो, मैं उपटन नहीं मलवाऊँगा, लाओ मेरी धोती दो। पूर्णा, वाह उपटन क्यों नहीं मलवाओगे, आज की तो यह रीत है, आके बैठ जाओ। वसंत कुमार, बड़ी गर्मी है, बिल्कुल नहीं जी चाहता। पूर्णा ने लपक कर उनका हाथ पकड़ लिया और उपटन भरा हाथ उनकी देह पे पोत दिया। तब बोली, सीधे से कहती थी तो नहीं मानते थे, अब तो बैठोगे? वसंत कुमार ने झेपते हुए कहा, मगर जरा जल्दी करना, धूप हो रही है। पूर्णा, अब गंगा जी कहाँ जाओगे, यही नहा लेना। वसंत कुमार, नहीं आज गंगा किनारे बड़ी बहार होगी। पूर्णा, अच्छा तो जल्दी लौट आना, यह नहीं कि इधर उधर तैरने लगो, नहाते वक्त तुम बहुत दूर तक तैर जाया करते हो। पंडित जी उपटन मलवाकर स्नान करने चले। उनका कायदा था कि घाट से जरा अलग नहाया करते थे। तैराक भी अच्छे थे, कई बार शहर के अच्छे तैराकों से बाजी मार चुके थे। यद्यपि आज घर से वादा करके चले थे कि न तैरेंगे, पर हवा ऐसी धीमी धीमी चल रही थी
कि जी तैरने के लिए ललचा उठा, परंतु पानी में कूद पड़े और इधर उधर कलोले करने लगे। सहसा उन्हें बीच धार में कोई लाल चीज दिखाई दी। गौर से देखा तो कमल थे। सूर्य की किरणों से चमकते हुए वे ऐसे मालूम होते थे कि वसंत कुमार का जी उन पर मचल पड़ा। सोचा, अगर ये मिल जाएं तो पूर्णा के लिए झुमक बनाऊं। उनके हर्ष का अनुमान करके उनका हृदय नाच उठा। हष्टपुष्ट आदमी थे, बीच धार तक तैर जाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनको पूरा विश्वास था कि मैं फूल ला सकता हूँ। जवानी दीवानी होती है। यह न सोचा कि जो जो मैं आगे बढ़ूंगा फूल भी बढ़ेंगे। उनकी तरफ चले और कोई 15 मिनट में बीच धार में पहुंच गए। मगर वहां जाकर देखा तो फूल इतनी ही दूर और आगे थे। जब कुछ थकान मालूम होने लगी थी, किंतु बीच में कोई रेत ऐसा नहीं था कि जिस पर बैठकर दम लेते। आगे बढ़ते ही गए, कभी हाथों से जोर मारते, कभी पैरों से जोर लगाते, फूलों तक पहुंचे। पर उस वक्त तक सारे अंग शिथिल हो गए थे। यहाँ तक कि फूलों को लेने के लिए जब हाथ लपकाना चाहा तो हाथ न उठ सका। आखिर उनको दांतों में दबाया और लौटे। मगर जब वहाँ से उन्होंने किनारे की तरफ देखा तो ऐसा मालूम हुआ मानो 1000 कोस की मंजिल है। शरीर बिल्कुल अशक्त हो गया था और जल प्रवाह भी प्रतिकूल था। उनकी हिम्मत टूट गई, हाथ पांव ढीले पड़ गए। आसपास कोई नाव या डोंगी न थी और नए किनारे तक आवाज ही पहुंच सकती थी। समझ गए, यहीं जल समाधि होगी। एक क्षण के लिए पूर्णा की याद आई। हाय, वह उनकी बाट देख रही होगी। उसे क्या मालूम कि वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके। वसंत कुमार ने एक बार फिर जोर मारा पर हाथ पांव हिल न सके। तब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तट पर लोगों ने डूबते देखा। 2-4 आदमी पानी में कूदे पर एक ही क्षण में वसंत कुमार लहरों में समा गए। केवल कमल के फूल पानी पर तैरते रह गए, मानो उस जीवन का अंत हो जाने के लिए उनकी अतृप्त लालसा अपनी रक्त रंजित छटा दिखा रही हो।